नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली को दहलाने की आतंकी संगठन अलकायदा की कोशिश नाकाम। NIA ने पश्चिम बंगाल और केरल से 9 आतंकियों को किया गिरफ्तार। बड़ी आतंकी घटना की रच रहे थे साजिश। चीन के लिए जासूसी के आरोप में दिल्ली में पत्रकार समेत चीन और नेपाली नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को किया गिरफ्तार। भारत चीन तनाव में रूस की एंट्री। दोनों देश के बीच शांति स्थापित करने के लिए रूस बना मध्यस्थ। LAC पर दोनों देशों की तरफ से लगातार बढ़ता जा रहा है सैन्य जमावड़ा। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार ड्रग पेडलर राहिल विश्राम भेजा गया जेल। NIA ने तेज की जांच। राहिल पर कई फिल्मी हस्तियों को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप। रविवार को राज्यसभा में मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा। विवादों से भरा कृषि बिल राज्यसभा में होगा पेश। अकाली दल ने अपने 3 सांसदों को विरोध में वोटिंग करने के लिए जारी किया व्हिप। लोकसभा में पास हो चुका है बिल। केंद्र सरकार के कृषि बिल के समर्थन में आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, विपक्ष फैला रहा है भ्रम। उपचुनाव में बिल को मुद्दा बनाने की तैयारी में कांग्रेस। 1 अक्टूबर से पहले खत्म हो सकता है संसद का सत्र। सत्र के दौरान 2 मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद पटेल और भाजपा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे हो चुके हैं संक्रमित। अगले सप्ताह खत्म हो सकता है सत्र। देश में कोरोना के केस 53 लाख के पार। 24 घंटे में सामने आए 93,000 से अधिक नए केस। एक दिन में 1100 से अधिक लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 सप्ताह का टोटल लॉकडाउन। 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक राजधानी की सीमा रहेगी सील। बंद रहेंगे सभी सरकारी और निजी दफ्तर। मध्य प्रदेश में बेकाबू हुआ कोरोना। संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। भोपाल में शनिवार को रिकॉर्ड 307 और इंदौर में 408 मरीज आए सामने। उपचुनाव के रण में टूटी भाषा की मर्यादा। सीएम शिवराज के लिए कमलनाथ के विवादित बोल बताया नालायक। शिवराज का पलटवार जाकी रही भावना जैसी। छिंदवाड़ा में SDM के चेहरे पर काली पोतने वाले कांग्रेस नेता पर लगाई गई रासुका। भेजा गया जेल। घटना के विरोध में उतरा राज्य प्रशासनिक सेवा संघ। हड़ताल की दी चेतावनी। दुर्गा उत्सव की गाइडलाइन के विरोध में उतरे मूर्तिकार और दुर्गा उत्सव समिति। या 10 फुट की प्रतिमा और 12x12 के पंडाल बनाने की अनुमति देने की मांग। इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा में तोड़फोड़। घटना CCTV में कैद। करनी सेना ने टोल कम करने की मांग को लेकर दी थी धमकी। पुलिस ने शुरू की जांच। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। का उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति में रोड़े अटका रही है सरकार। उर्दू शिक्षकों से किया संवाद। कोरोना काल में योगी सरकार खोलेगी फिल्म सिटी। CM योगी आदित्यनाथ का ऐलान। रवि किशन और मनोज तिवारी ने किया स्वागत। मध्य प्रदेश में बदल गया मौसम का मिजाज। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने होशंगाबाद इंदौर और उज्जैन संभाग में बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। UAE में IPL का रंगारंग आगाज। पहले मैच में चेन्नई की टक्कर मुंबई से। 8 टीमें खेलेगी कुल 56 मैच। बॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस लीजा मलिक का दावा। एक्ट्रेस कृति सेनन के साथ रिलेशनशिप में थे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत से लगभग 2.5 साल पहले मिली थी कृति। चर्चा का विषय बनी हुई है अनुष्का शेट्टी की फिल्म निशब्दम। 21 सितंबर को जारी होगा ट्रेलर। Amazon प्राइम पर 3 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।